What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stella Lover Family. Lecture काफी शानदार तरीके से हम लोग enjoy करने वाले हैं. Geography, location के साथ साथ में आप लोगों को थोड़ा geography की background information भी मिलेगी. डिटेल में लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं. एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. एक एक क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं एग्जाम में आप लोगों के लिए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बड़े ही ध्यान से सुनना है. यहां पर बात की जा रही है पहले क्वेश्चन के अंदर हमारी कंट्री के जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में. और हाँ, मेरे साथ ही क्वेश्चन का आंसर देके आप लोगों को चलना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन खुद से भी अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ में आप लोग, और फिर उसके बाद में आंसर देखेंगे, तो आप लोग और अच्छे से उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे और एग्जाम में आप लोग फिर अपना आंसर सही लगाकर आएंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बात की जा रही है. पहली स्टेटमेंट देखते हैं. बात की जा रही है जो रिवर नर्मदा है वो तीन राज्य से होकर गुजरती है. ये पहली स्टेटमेंट है. दूसरी बात की जा रही है जो कावेरी रिवर का बेसिन है वो कवर करता है तीन राज्य और इसी के साथ में यूनियन टेरिटरी. तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है. कावेरी रिवर काफी ज्यादा न्यूज में रहती है कई रीजन की वजह से, अभी बात करेंगे आगे. आप लोग यहां पर आंसर बताइए. ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नोर टू. कौन सा आंसर सही है अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में आंसर देखेगा. आइए जानते हैं डिटेल में. आंसर है यहां पर सी सही. कावेरी रिवर की अगर बात करें तो कावेरी रिवर के बारे में आप लोग उसके इसलिए याद रखना है क्योंकि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया उसकी रीजन की वजह से भी, और अलग अलग कई सारे रीजन की वजह से तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में लड़ाई रहती है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए. तो कितना पानी मिलता है वो भी आप लोगों को बताता हूं. पहले आप लोग डिस्टेंस देख लीजिए किस राज्य में कितनी ज्यादा ये लंबी रिवर बहती है जो कावेरी रिवर है. यहां पर के ए वी ई आर आई या तो ये शब्द आप लोगों को लिखा हुआ मिले या फिर आप लोगों को सी ए यू वी ई आर वाई, दोनों ही कावेरी के नाम है. यानी कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना कि कभी बोलो कि ये दूसरी कावेरी कहां से आ गई. तो सी ए यू वी ई आर वाई या फिर के ए वी ई आर आई, तो दोनों ही कावेरी के ही नाम है. अब बात करते हैं यहां पर डिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं. तमिलनाडु में लगभग 43,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलती है, कर्नाटक में 34 स्क्वायर किलोमीटर, केरला में 2000 लगभग आप लोग या फिर 3000 आप लोग बोल सकते हैं, पोंडिचेरी में यह है 160 स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में बहती है ये, फिर कर्नाटक में, फिर केरला में और फिर है पोंडिचेरी में. ये इसका एरिया है, यहां पर ये दे रखा है स्क्वायर किलोमीटर में और ये दे रखा है स्क्वायर माइल्स में. तो किसी भी तरीके से आप लोग याद रखते हैं, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, इतना भी याद रख लेंगे ना कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक, फिर केरला और फिर पोंडिचेरी, तो ये भी मोर देन सफिशियंट है. तो इसी के बारे में आगे बात कर लेते हैं. यहां पर बात करते हैं पानी के बारे में कि पानी किसको ज्यादा मिलता है इस रिवर का. पहले तो ट्रिब्यूनल का डिसीजन था यहां पर, ट्रिब्यूनल एक तरीके कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं 2007 का, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2018 में. सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि सबसे ज्यादा पानी मिलेगा किसको, यह है ब्लू वाला यानी कि तमिलनाडु को, और सबसे ज्यादा बहती किस एरिया में है यह भी आप लोगों ने अभी देखा, बहती भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु को सबसे ज्यादा पानी मिलेगा. दूसरे नंबर पर मिलेगा कर्नाटक को, कर्नाटक में ये यहां पर देखते हैं, तीसरे नंबर पर केरला और चौथे नंबर पर पोंडिचेरी. तो तीन स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हो गया, क्योंकि तीन स्टेट हो गए कौन सा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, और एक यूनियन टेरिटरी हो गया कौन सा, पोंडिचेरी. तो इस तरीके से अगर स्टेटमेंट देखेंगे कावेरी रिवर के बारे में आप लोग, तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे कावेरी रिवर बोला जा रहा है कि तीन राज्य में और एक यूनियन टेरिटरी में बहती है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही होगी. अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में नर्मदा रिवर के बारे में बोला है, ये है यहां पर नर्मदा रिवर, इसी के साथ में ताप्ती या फिर गोदावरी, या ये हो गई महानदी, यहां पर ये हो गई कृष्णा, ये हो गई कावेरी, जिसके बारे में हम लोग भी बात कर रहे थे. हम लोग इन दो रिवर के बारे में बात कर रहे थे. आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ से साउथ में इन रिवर को आप लोग लगाओ, सबसे ऊपर नर्मदा, फिर ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इस तरीके से भी याद रखिएगा, ये हो गया अरेबियन एरिया और ये हो गया बे ऑफ बंगाल वाला एरिया. ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं. यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से राज्य की बात की जा रही है इसके लिए. बेसिकली ये बात की जा रही है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये रिवर देखने को मिलती है, तीन राज्य में बोला गया है. तो क्या तीन राज्य बोल रहे थे? जी हाँ, तीन राज्य यहां पर बोल रहे थे. तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. तो कहने के लिए एक क्वेश्चन हुआ, पर इस क्वेश्चन में से आप लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कावेरी रिवर कहां कहां पर बहती है. जिस तरीके से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कितने राज्य में बहती है, नॉर्थ में बहती है, साउथ में बहती है, आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एरिया में गिरती है. तो ये कहां पर गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है नर्मदा रिवर, और ये कहां पर गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है.
तो एक ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो इस तरीके से एक तरीके छोटा सा टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर कवर हो गया, आगे फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। आगे चलता हूँ। और हाँ, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन आप कम डिस्कस करते हो, इन्हीं एक ही क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, चाहूं तो इसी में से मैं आप लोगों के 10 क्वेश्चन बना दूंगा जरा सी देर में। तो अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करना ज्यादा बेटर है कि एक ही क्वेश्चन का एक टॉपिक बना के उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दूं, वो ज्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। वरना मैं भी बता दूंगा कि नर्मदा रिवर यहाँ पर है, तीन स्टेट से बहती है, एक ही क्वेश्चन बना दिया। कावेरी रिवर कहाँ कहाँ पर बहती है, एक ही क्वेश्चन बना दिया। कौन से एरिया में गिरती है, कहाँ पर पानी ज्यादा मिलता है, ये इस तरीके से नॉर्थ में, साउथ में, या फिर और भी कई सारे ऑप्शन बनाकर आप लोगों के सामने इसी में से 5-6 क्वेश्चन निकाल दूंगा मैं जरा सी देर में। तो आप लोगों को डिटेल में एक क्वेश्चन में ही मिल जाती है इन्फॉर्मेशन, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। और बाकी अगर आप लोगों को वैसी चीजें चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे भी कर दूंगा, आप लोग जैसे कहेंगे ऐसे ही कर दूंगा मैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें वो है, उसमें आप लोग अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो आप लोगों के सामने पोर्ट के नाम दे रखे हैं, बोला जा रहा है कि कौन सा पोर्ट यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में नहीं पड़ता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा पोर्ट नहीं है, ये पूछा गया है। नोट जरूर याद रखिएगा, वरना क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं आप लोग। आइए देखते हैं किस किस की बात की जा रही है। ए में बोला जा रहा है 1 and 3 ओनली, बी में बोला जा रहा है 1 ओनली, सी में बोला जा रहा है 2 ओनली, डी में बोला जा रहा है 1, 3 and 4 ओनली। यहाँ पोर्ट कौन कौन से हैं, पैरादीप, मुंद्रा, टुटिकोरिन और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर चितगोंग, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। तो आइए देख लेते हैं बात करके कि कौन कौन से पोर्ट की बात की जा रही है। पैरादीप, टुटिकोरिन और चितगोंग के बारे में पहले देख लेते हैं। पैरादीप आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये हो गया पैरादीप उड़ीसा के अंदर, ठीक है। टुटिकोरिन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जिसको आज की डेट में दूसरे नाम से पुकारा जाता है, वी ओ चितंबनार, ठीक है। तो वी ओ चितंबनार पोर्ट के नाम से इसको पुकारा जाता है, पहले टुटिकोरिन पोर्ट इसको बोला जाता था। इन्नूर पोर्ट को इसीलिए कामराज पोर्ट के नाम से पुकारा जाता है, तो सेकंड नाम भी आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार दूसरे नाम पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये पैरादीप हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, टुटिकोरिन हो गया, बे ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट जो चितगोंग पोर्ट है यहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये भी बे ऑफ बंगाल में हो गया। बचा हुआ कौन सा रह गया, यह है मुंद्रा। मुंद्रा आप लोगों को जो पोर्ट है ये गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला आंसर आप लोगों का सही हो गया, जो कि बे ऑफ बंगाल में नहीं है, यहां पर कहां पर हो गया, ये दूसरी साइड में हो गया, अरेबियन सी में। तो आंसर क्या हो गया, 2, यानी कि सी सही है यहां पर, ये बाकी के सारे जो है यहां पर ये आप लोगों को बे ऑफ बंगाल में नजर आ जाएंगे। पोर्ट जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है यहां पर, कांदला पोर्ट देखते हैं, मुंबई, जेएनपी, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू जो है, नेक्स्ट यहाँ पर मोरेगांव पोर्ट ट्रस्ट है ये, इसी के साथ में यहाँ पर मैंगलोर हो गया, कोच्चि हो गया, ये विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता और यहाँ पर चेन्नई। तो टोटल मिलाकर ये पोर्ट आप लोगों से कई बार पूछ लिए आते हैं, तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बात की जा रही है ब्राह्मणी रिवर के बारे में। ब्राह्मणी रिवर के बारे में जो स्टेटमेंट है उसमें पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ब्राह्मणी जो रिवर है यहाँ पर, द ब्राह्मणी इज ए मेजर सीजनल रिवर इन तेलंगाना। सीजनल रिवर कौन सी होती है, सीजनल रिवर वे होती है, मान लीजिए मॉनसून आ गया तो रिवर जो है वो भर भर कर चल रही है, और जैसे ही मॉनसून खत्म हो गया वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिवर भी खत्म होती हुई नजर आती है। जो एवरग्रीन रिवर है वो होती है नॉर्थ इंडिया की रिवर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि नॉर्थ इंडिया में जो भी रिवर है हमारी कंट्री में, वो सारी ये यहाँ पर खासकर जो हिमालयन रीजन से ग्लेशियर पिघलने के बाद में वो निकल कर आती है, तो इसलिए वो सारी जो रिवर है वो शांति से यहाँ पर फ्लो होती रहती है थ्रू आउट द ईयर। पर लेकिन जो साउथ इंडिया की रिवर है, जब मॉनसून आता है यहाँ पर, तो मॉनसून के आने की वजह से वो रिवर स्टार्ट होती है, जैसे मॉनसून खत्म होता है तो फिर उन रिवर की आगे चल के कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये याद रखेगा, बात की जा रही है यहाँ पर सीजनल रिवर के बारे में, ठीक है। तो ब्राह्मणी को बोला गया मेजर सीजनल रिवर है तेलंगाना के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो महानदी और ये है यहाँ पर महानदी और बेतारिणी, ठीक है ना, बेतारिणी, ओके, इसके बारे में याद रखते हैं आप लोग। तो ये दोनों जो रिवर है यहाँ पर, ये रिवर मिलकर यहाँ पर ये लार्ज डेल्टा बनाती हैं जब ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, और जो पर्टिकुलर रीजन है जहां पर ये जाकर गिरती है वो है धामरा, ठीक है। तो धामरा में जब जाकर गिरती है महानदी और बेतारिणी, ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ये है दूसरी स्टेटमेंट। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉर 2। आंसर देख लेते हैं, आंसर यहां पर सही है बी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, वो तेलंगाना की रिवर नहीं है, अब वो उड़ीसा की रिवर है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई वहां पर। इसी के साथ में जो यहां पर ब्राह्मिनी है वो फॉर्म होती है यहां पर जब यहां पर एस ए एन के एच संक यहां पर ये रिवर है, इसी के साथ में साउथ कोल रिवर ये यहां पर, ये यहां पर इनका कॉन्फ्रेंस होता है जब वो फॉर्म होती है, जिसका नाम ब्राह्मिनी रिवर है। नेक्स्ट महानदी और यहां पर जो बिदकारनी रिवर है इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये स्टेटमेंट सही है, ब्यो बंगाल में ये है, धर्मारा जो एरिया है वहां पर ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो काफी बड़ा यहां पर डेल्टा है, लार्ज डेल्टा, लार्जेस्ट नहीं लार्ज, ठीक है ना। लार्जेस्ट डेल्टा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो किस डेल्टा को आप लोग बोलेंगे, और ये मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं या फिर आप लोगों को एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो कौन सा वो डेल्टा है, तो बे ऑफ बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है उसको बोलते हैं लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर लार्ज डेल्टा की बात की जा रही है, जो कि ये है यहां पर कहां पर ये याद रखिएगा, ये है धामरा रिवर। ठीक है, तो धामरा रिवर नहीं धामरा एरिया, तो यहां पर ये बनाता है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर इसका बी हो गया। आगे चलते हैं, चाबहार पोर्ट काफी न्यूज में रहता है, चाबहार पोर्ट के बारे में यहां पर स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने और ये इंडिया से रिलेटेड है तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यहां पर जो बोली जा रही है ये बोला जा रहा है कि चाबहार पोर्ट जो है ये लोकेटेड ये गल्फ ऑफ ओमन में लोकेटेड है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड IPGPL जो है यहां पर वो यहां पर ये ईरानियन के साथ में पार्टनर मिलकर यहां पर इसको ऑपरेट करती है। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नोर टू। तो आइए डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देख लेते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से ये हो गया चाबहार पोर्ट जो कि ईरान के अंदर में है, ये है एग्जैक्ट लोकेशन। हम यहां पर ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो चाइना है ये यहां पर गवादर पोर्ट डेवलप कर रहा है जो कि ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है, काफी पास में आप लोग यहां पर देख सकते हैं। चाबहार पोर्ट जो है ये गल्फ ऑफ ओमन में है, ये यहां पर ओमन हो गया, ये हो गया गल्फ ऑफ ओमन, और यहां पर ये जो है चाबहार पोर्ट ये यहां पर इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ओनली एक ऐसा पोर्ट है हमारी कंट्री के बाहर जो हम डेवलप कर रहे हैं। इसी के साथ में हमारी कंट्री की जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इसी के साथ में ये है अरैया अरैया बंदर ईरानियन, ये यहां पर ये ईरान की कंपनी है और हमारी कंट्री की है यहां पर इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, दोनों मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। तो ओनली एक ऐसा पोर्ट है जो हमारी कंट्री के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है हमारी कंट्री के बारे में, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। रीजन ये है कि यहां से अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है और यहां से सेंट्रल एशिया में भी हम लोग अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं। चाबहार पोर्ट और गवादर पोर्ट के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ओनली 72 किलोमीटर है, यहां पर कोई ज्यादा दूर नहीं है दोनों पोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आंसर जो हो गया इसका आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने फिर से रिवर के बारे में है और अब की बार यहाँ पर ट्रिब्यूटरी की बात की जा रही है। तो जो ट्रिब्यूटरी है यानी कि सहायक नदियां हैं कावेरी रिवर की, उसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सी सहायक नदियां हैं। पहली स्टेटमेंट बोला गया है कावेरी, दूसरा बोला गया यहाँ पर हेमावती, तीसरा बोला गया यहाँ पर सिमसा, चौथा बोला गया है इंद्रावती और पांचवा बोला गया यहाँ पर ये है वमसदरा। ठीक है, तो कौन सी रिवर यहाँ पर ये ट्रिब्यूटरी है यानी कि सहायक नदी है कावेरी की। तो पहले स्टेटमेंट है यहाँ पर वन टू एंड थ्री ओनली, दूसरी स्टेटमेंट बोला गया टू थ्री एंड फोर ओनली, सी में बोला गया यहाँ पर वन एंड टू ओनली, डी में बोला गया वन टू थ्री एंड फोर यहाँ पर ये बोला गया। तो कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर सही है, तो आंसर जो सही है यहाँ पर वह है वन टू थ्री, यानी कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग की जो रिवर है यहाँ पर काबिनी हेमावती और सिमसा ये यहाँ पर कावेरी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, तो कावेरी की सहायक नदियां हैं। बाकी इंद्रावती है ये यहाँ पर गोदावरी से कनेक्टेड है और यहाँ पर ये विषमद्रा ये यहाँ पर गोदावरी के पास में ही बहने वाली एक अलग रिवर है, इसका ये कावेरी रिवर से कोई संबंध नहीं है, काफी डिस्टेंस पे आप लोगों को नॉर्थ में देखने को मिलेगी कावेरी रिवर के। तो आंसर इस तरीके से आप लोग क्या सही हो गया, ए आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही हो गया एग्जैक्ट। ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा पहले सा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी आप लोग यहाँ पर तीन रिवर के नाम लिखेगा जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की तीन ट्रिब्यूटरी के नाम लिखेगा, और जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं उस राज्य की इंपोर्टेंट रिवर कौन सी है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार, तब तक के लिए जय हिंद।